राजकुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। भी मैं मौजूद हूँ नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बरडीहा पंचायत भवन पर। आप देख सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ पे एक सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन में काफ़ी कार्यकर्ता मौजूद है और ये जो इतिहास रहा है नासरीगंज की धरती रही है, कम्युनिस्टों की पार्टी रही है, कम्युनिस्टों की धरती रही है और यहाँ से बड़े बड़े कम्युनिस्ट नेता पैदा हुए हैं और यहाँ पर बड़े बड़े राजनीति भी किए हैं। आइए हम इन्हीं चंद सवालों के साथ कि आखिर सम्मेलन का मुख्य मकसद क्या है और इन पार्टी में कौन कौन से लोग आए हुए हैं हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन सिंह, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सर, इस सम्मेलन का मुख्य मकसद क्या है? इस सम्मेलन का मुख्य मकसद है 3 सालों पर पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर हम सम्मेलन करते हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं, प्रांतीय, जिला और संचल तक जाते हैं, सभाओं तक जाते हैं और पिछले जो 5 सालों का हम समीक्षा करते हैं देश के अंदर में जो राजनीतिक स्थिति है उसमें हम किसानों मजदूरों की क्या स्थिति है और सरकार की नीतियाँ किस हद तक कहाँ पहुँचती है और आगे आने वाले दिनों में हम जो नीतियाँ बनेगी उस नीतियों में किस तरह से हम सजग कर सकते हैं और जनता के सवालों को लेकर जो आज देश के अंदर में मोदी सरकार है जो जन विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उस नीतियों को बदलने के लिए सशक्त योजना बनाते हैं और जो योजना बनाते हैं तो योजना कहाँ तक हम सफल होंगे हम अपनी राजनीतिक दिशा तय करते हैं और नई राजनीतिक मंशा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आपका पहले तो आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी है और मैं CPI के जिला परिषद का सदस्य हूँ, पूर्व छात्र नेता भी रहा हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय परिषद। आप नासरीगंज बडीहा पंचायत भवन पर आए हुए हैं सम्मेलन में, क्या संबोधन करना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? मैं यही कहूँगा कि देश में झूठ की राजनीति चल रही है, झूठ के नाम पर संविधान की हत्या की जा रही है, लोगों से उसके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, विरोधियों को टारगेट करके उसके पीछे ED लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ऐसा होना लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा विश्वास है। हमारे पूर्वजों ने अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए जान गंवाया, इसीलिए कि हम देश में लोकतंत्र स्थापित किए। इसमें विरोधी हो या समर्थक हो हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि हमारे देश का नागरिक है और उसके हर एक नागरिक का एक अधिकार होता है हमारा जो हमारे संविधान में हमको। हम लोग इस बात के लिए चिंता व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से वर्तमान सरकार काम कर रही है उससे हमारे लोगों के मौलिक अधिकार पर खतरा होने जा रहा है। विरोध में बोलने वालों को मार दिया जा रहा है, विरोध में बोलने वालों को जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है और उससे सबसे बड़ी बात है कि देश की महंगाई ने मिडिल क्लास को, मजदूर वर्ग तो पहले से मरा हुआ था, मिडिल क्लास जो एक थोड़ा सा ऋण था जो आज सबसे ज्यादा टैक्स देता है सरकार को चलाने के लिए, उसके साथ भी ये सरकार विश्वासघात कर। चलिए, महंगाई बड़ी समस्या है, एक समस्या आप बात कर रहे थे अंदर में, आपको बातों को सुना हमने। जिस तरह से BJP झूठ के बल पर सत्ता पर काबिज है, कहती है कि निजीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने अपने मुखारबिंद से बताया कि निजीकरण कहाँ हो रही है। आप देखिए पूरे देश के अंदर में अभी तक से लगभग 27 जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे उन सबों को या तो प्राइवेट के हाथों से बेच दिया गया या उसका मतलब समझ लीजिए कि उसके ऊपर किसी न किसी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया गया। सरकार ने अभी सबसे ज़्यादा अंबानी और अडानी ग्रुप को सरकार दिया, आपने सुना होगा कि रेलवे अडानी को दिया गया है, तो एक रेलवे अडानी रेल। जब आप लोग बात उठाते हैं तो सरकार तो कहती है कि सब झूठ है, नौजवान मानते भी हैं चीज़ को। इसके लिए तो यही तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार की ही बात सिर्फ सुनी जाती है लोकतंत्र में, विरोधियों की बात नहीं सुनी जाती है? विरोधियों को भी तो अधिकार है बोलने का ना, आपको तो पता होना चाहिए कि लोकतंत्र बिना विरोधी के चलेगा ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में अगर एक नियम है कि अगर किसी बूथ पर 3000 वोट है और 3000 आपको पड़ गया तो वो बूथ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका कोई दो को विरोधी नहीं। तो मैं समझता हूँ ये विरोधियों की बातों को दबाने का, झूठ करके जनता को झूठ के फरेब जाल में फंसा के उसका शोषण करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। कम्युनिस्ट पार्टी लगातार जमीनी मुद्दों पर लड़ाई लड़ती रहती है, कहाँ तक आप लोग अभी तक सफल हुए? बहुत सफल हुए। हमारी हमारा जन्म ही 1925 में उस समय हुआ जब हम अंग्रेजों से भारत के लिए संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज आपने देखा कि गरीबों को इंदिरा आवास के नाम पर दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है। आप उठा के पढ़िए हमारा इतिहास, हमारे सम्मेलनों का इतिहास पढ़िए। हम जबरदस्ती सरकार पर वोट डाले थे और पहले सरकार ये कहती थी कि कैसे हो पाएगा, लेकिन आज उठा के देखिए इन्हीं पैसों से लेके सरकार को दी रहे। आपने सुना होगा कुछ सरकार ने मुद्दा में था ये सब इंदिरा आवास पीला था, इसका नाम उसने इंदिरा आवास दे दिया। हम लोगों को कहा था कि बास्किट का पर्चा
उसको पक्का मकान, ये सब हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई है। हमारे चतुरानंद मिश्रा हमारे एक मंत्री हुआ करते थे, कृषि मंत्री भी थे, हमारे एक इंद्रदीप सिन्हा मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में, जब ये सरकार बनी थी बिहार में 67 में, उसमें हम भी शामिल थे। आप जरा पता लगा के देख लीजिए, हमारी बातों को जनता तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है, और इसीलिए हम सम्मेलन करके आयोजित करके आम सभा करके जनता को सच्चाई बताते हैं। ये सारी की सारी लड़ाई है जो मजदूर वर्ग के लिए लड़ी गई है, ये हम 1925 से लड़ शोषण को मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण रोका जाए इसी आधार पर हम चलते हैं। उसका आर्थिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो, जात के नाम पर शोषण हो, धर्म के नाम पर शोषण हो, शिक्षा के नाम पर शोषण हो, हम शोषण के विरुद्ध शोषण विहीन समाज की स्थापना हमारे वो क्या नाम है मैनिफेस्टो में ही लिखा हुआ है, और हम उसी के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। अंत में इस क्षेत्र के लोगों के लिए खास है, ये क्षेत्र हमारा बहुत इस जमाने में ये सब इलाका हमारा खान का पूरा बोला, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र का जो भी एमपी बना, जो भी एमएलए बना, जो भी नेता बना, उसने इस तक कृषि आधारित उद्योग को विकसित नहीं किया। हम अपने पार्टी के सम्मेलन में फैसला लेने जा रहे हैं कि कृषि पर आधारित उद्योग को स्थापित करने के लिए हम यहाँ संघर्ष करेंगे। डालमिया नगर की फैक्ट्री बंद होने के बाद बिहार के अंदर में कोई भी फैक्ट्री नहीं बैठाएंगे। हमारा जिला आप सब जानते हैं रोहतास जिला, जिसके हम लोग रहने वाले हैं, बिहार का दूसरा धनी जिला, लेकिन हमारे संसाधन बहुत हैं। हमारे पास पहाड़ है, हमारे समतल जमीन है, हमारे खेती एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं वो हमारे पूरे धरती पर फैला हुआ है, लेकिन हमारे किसानों को न सही ढंग से किसानी की ट्रेनिंग दी जाती है, न उनको सरकारी समय पर उनको कोई सुविधा दी जाती है। और आज भी जितना हमारा विकास होता है, अकेले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी रोहतास डिस्ट्रिक्ट की भूमि इतनी उपजाऊ है कि वो पूरे बिहार को खिला सकती है, लेकिन हमारी सरकारी इस पर ध्यान नहीं दे रही। हमारे आज भी हमारे यहाँ चले जाइए, उत्तर क्षेत्र में नहरें हैं, लेकिन दक्षिण क्षेत्रों में आज भी नहरों का अभाव है, बन रहा है, वर्षों से बन रहा है, उसमें लूट खसोट जारी है। आज की बैठक में इस पर चर्चा, हाँ, हम लोग इस पर जरूर चर्चा करेंगे, और हम उद्योग की स्थापना बिहार में अपने जिले के अंदर कि हमारा उद्योग आधारित जिला था, एक जमाना था जब हम लोगों के यहाँ चीनी की फैक्ट्री हुआ करती थी, हमारे किसान बहुत खुशहाल हुआ करते थे, उस समय नहरें नहीं हुआ करती थी। हमारे पूर्वज बताते हैं कि जब नहर नहीं होता था तो यहाँ के किसान गन्ना की खेती करते थे, आज वो गन्ना का खेती का मिल कहाँ चला गया, आज गन्ना देखने को नहीं मिलता हमारे किसानों को, ये सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान सर बिहार सरकार में आप लोगों की विषय भगाता है, कितनी आप सोचते हैं कि हमारे विचारों को लेकर सरकार चलेगी और काम करेगी? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम सरकार का बाहर से समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में अभी मंत्रियों को खरीदा गया, एमएलए को खरीदा गया, हम सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन ये चूंकि धर्म पक्षी सरकार, ये जो क्या बोलते हैं उसको, समाज पक्षी सरकार किसको हम कहेंगे या सांप्रदायिकता विरोधी सरकार कहेंगे, हम इसलिए शामिल हुए कि अगर इसमें से भी कोई जाता है तो उस समय सरकार को बचाने के लिए हम खड़े रहेंगे और उस सरकार को पूरा समर्थन देंगे। रही बात सरकार की अपेक्षाएं, तो हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम अपने सम्मेलन कर रहे हैं, हमारा सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्र सम्मेलन हो रहा है, हमारा विजयवाड़ा में हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, हम अपने सम्मेलन का रिपोर्ट देंगे और उसके लिए हम जमीन पर संघर्ष करेंगे। मेरी सबसे पहले मांग है सरकार से कि किसानों की दशा सुधारी जाए, फसल का बीमा किया जाए।